हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं बहुत ही शानदार सा हाउस प्लान है जो कि 20 फीट बाय 25 फीट में हमने इसको बनाया है। आप यहां पे देख सकते हैं इसकी चौड़ाई 20 फीट है और इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो आप यहां पे देख सकते हैं ये इसकी लंबाई आपको 25 फीट देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों इस हाउस प्लान में आपको टोटल 12 कॉलम का सेटअप देखने को मिल जाता है और ये घर बहुत ही शानदार तरीके से हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये 500 स्क्वायर फीट में बहुत ही शानदार सा हाउस प्लान है। उम्मीद है ये हाउस प्लान आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आप देख सकते हैं कॉलम का कुछ साइज़ इस तरीके से हमने दिया है, 9 इंच बाई 9 इंच का, और आप 10 फीट हाइट का वो कॉलम देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर बात करें घर बनाते कैसे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना होता है, आप प्लिंथ लेवल तक काम कम्प्लीट करेंगे तो उसके बाद से आपको कॉलम पूरा स्ट्रेट पूरा खड़ा कर देना है। उसके बाद से आपको इसको अच्छे से पानी से तराई करना रहता है कुछ दिन, और साथ साथ में ब्रिक वर्क का भी काम करते रहना है। कहीं भी आप देखते होंगे गांव में क्या करते हैं, जो पहले ब्रिक वर्क का काम कंप्लीट कर देते हैं उसके बाद से ही वो लोग कॉलम बनाते हैं, वो गलत तरीका है। उस तरीके से आप घर बनाएंगे तो आपके घर की मजबूती है वो अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बाहर की जो दीवार हमने 9 इंच का रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर जो बाहर की दीवार है वो आप 5 इंच का यानी 1 ईंटे की चुनाई का भी रख सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो घर में लोड होता है वो सारा कॉलम के रास्ते ही ज़मीन तक ट्रांसफ़र होता है, तो जिसके लिए आपको जो दीवार है उसमें किसी भी प्रकार की लोड नहीं आने वाला है, इससे आप टेंशन फ्री हैं, ठीक है। ये देखिए एक हम लाइन मार्क कर रहे हैं, इसको बोलते हैं प्लिंथ लेवल, ठीक है। यहाँ पर एक बीम प्रोवाइड करना रहता है आप लोगों को। आप देखे होंगे गाँव में जब घर बनता है या शहर में तो हर जगह बीम देते हैं, तो यहाँ पर एक बीम इस लेवल पर बनाते हैं जिससे आपका घर जो है नीचे के लेवल में अच्छे से बंध जाए फ्रेम सब, आपका कॉलम एक दूसरे से अटैच रहे जिससे आपकी मजबूती अच्छा रहेगा। और दूसरा फायदा रहता है जो आपके घर का सीलन होता है यानी जो नमी रहती है वो आपके वाल में ना जाए ऊपर में, जिससे आपका पेंट खराब होने से बच जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक विंडो का सेटअप दे देना होगा, जिससे आप फ्रंट में देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर विंडो का एक सेटअप दे देंगे। इसके बाद से चलिए अंदर की जो भी इंटीरियर वाल है उसको भी हम पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से अंदर की सारी दीवार को आपको क्रिएट कर लेना है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पीछे का दो बेडरूम है। तो चलिए हम 1x1 करके सारा का जो डोर का फ्रेम है वो बना लेते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे दोनों बेडरूम का डोर का फ्रेम बना दिया, और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये आप देख सकते हैं स्लैब डाल दिया यहाँ पर जो किचन के लिए रहेगा आपका, ठीक है। और इसके यहाँ पर सामने में यहाँ पर एक यहाँ पर हम डोर दे देंगे जिसकी चौड़ाई आपको रहेगा 2 फीट 6 इंच, लंबाई ये जो हाइट है वो आपको 7 फीट देखने को मिलेगी। ये आपका रहेगा ये वाला जो डोर है ये आपको टॉयलेट के लिए है, और यहाँ पे आपको ये कुछ सॉरी यहाँ तक कर देना है, और यहाँ पे एक और आपको डोर देना पड़ेगा मेन डोर, ये आपको कुछ इस तरीके से चलिए इसको भी हम कनेक्ट कर देते हैं, सॉरी ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी ये बन के रेडी हो गया है, ठीक है। अब देख सकते हैं आप चाहें तो यहाँ पे भी एक डोर प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि इस घर को और भी अच्छा लुक देगा कुछ इस तरीके से। अभी हम दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पे एक डोर रहेगा तो जिससे आप अपने इस बेडरूम में आ जाएंगे और यहीं से आप अपने हाल में चले जाएंगे। यहाँ पे आपको किचन रहेगा, ओपन किचन, यहाँ पर आपको स्टेयर केस का सेटअप रहेगा जिससे आप छत पर चले जाएँगे, ठीक है। और पीछे में आपको 2 बेडरूम का सेटअप मिलेगा देख सकते हैं, और इधर में आपको टॉयलेट का सेटअप देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरीके का इसका ग्राउंड फ्लोर का प्लान का हमने सेटअप किया हुआ है। ये हाउस प्लान का जो सेटअप है आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर हम बात करें नॉर्मल घर बनने का, तो दोस्तों आप कहीं पर भी जाएंगे इतने छोटे से हाउस प्लान का जब कहीं पर भी आप प्लॉटिंग कराएंगे तो इससे सुंदर प्लॉटिंग कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसी मैक्सिमम इसी तरीके से ही प्लॉटिंग हर जगह देखने को आपको मिलेगी। जो भी प्लान आपको देखने को मिलता है वो बेसिकली ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये इतना छोटा प्लाट है तो इसमें सारा चीज़ एडजस्ट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हमने इतने छोटे से हाउस प्लान में आपको 3 बेडरूम का सेटअप भी करके दे दिया, तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है, ठीक है। बात करें दोस्तों रूम की साइज़ की, तो चलिए 1x1 करके सारे रूम का साइज बता देते हैं। देख सकते हैं 9.5 फीट बाई आपको 10 फीट का ये बेडरूम मिलता है, सेम साइज़ का बेडरूम ये भी है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं इसका भी, ये देख सकते हैं 9.5 फीट बाई यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 10 फीट देखने को मिलता है। टॉयलेट की साइज़ की बात करें तो देख सकते हैं 3 फीट 8 इंच बाई 5 फीट देखने को मिलता है, और यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो 5 फीट वाइड एरिया है। यहाँ पे आपको किचन का ओपन किचन का सेटअप देखने को मिल जाता है, ठीक है। बात करें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं 9 फीट बाई आपको वही सेम
साढ़े नौ फीट बाई नौ फीट का ये बेडरूम है। बाकी जो एरिया बचता है ये वाला आपका, ये यहाँ पे सीढ़ी का सेटअप देखने को मिल जाता है। आप चाहें अगर तो ये जो दीवार है यहाँ तक की कर सकते हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा आपका जो ये देख सकते हैं, थोड़ा बंद कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे केवल एंट्री रहेगा, ये सब क्लोज रहेगा। और यहाँ पे अगर आपका चाहिए तो आप यहाँ पे एक पतला सा इस तरीके से विंडो का भी सेटअप कर सकते हैं, जिससे आपका एक मिनट ये लाइन स्ट्रेस जो है डिलीट कर देते हैं पहले। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एक यहाँ पे भी डोर का सेटअप कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो अभी ये हाउस प्लान आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों इसी तरीके का हाउस प्लान देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और उस पर आल पे क्लिक कर देंगे, जिससे क्या होगा जब भी हम कोई न्यू वीडियो आपके लिए अपलोड करते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन बिल में चला जाता है, ठीक है। और दोस्तों बात करें इसकी कॉस्ट की, तो इस हाउस प्लान को बनाने में आपको 8 लाख रुपये के अराउंड आपको खर्च आने वाला है एकदम फिनिशिंग वर्क तक, ठीक है। तो इसी तरीके का वीडियो देखते रहिए हमारे चैनल पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।